मंत्रों द्वारा जल धारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो वह प्रमेह रोग की शांति करती है। और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो गया हो तो वह घी से भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जाप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दूध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रहना चाहिए। तन मन में आकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से भगवान शिव की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा रोग दूर हो जाता है। यदि भगवान शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली होती है। ये जो जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उनमें भी उक्त मंत्र का विधानता है। 10,000 जाप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अध्याय 14 सृष्टि का वर्णन। तदन अंतर महर्षि नारद जी के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब श्री महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो गया, कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करके पहले रचे हुए जल से अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा गया है। विप्रवरो वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतना ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। श्री ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। श्री विष्णु आपको नमस्कार है, आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभो यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा, जड़ी भूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए।
मेरा ऐसा कहने पर भगवान शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर रखा था, अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अविधा वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात हरि ही विराजमान रहने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। 5 मुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझे सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजान में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अविद्या पंचक अथवा पंचरवा अविद्या कहते हैं। तदनंतर प्रसन्नचित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर सजक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा रखने वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ था। उनका नाम है त्रियोक्त श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उद्धर्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अनंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता कहा गया। सर्ग के प्राणी मनुष्य जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं, तदन अंतर श्री महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की व्याकृत सृष्टि का वर्णन किया। इसके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे जाते हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए। इनसे पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्य मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा नवा कुमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवांतर भेद का वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विज आत्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक, सनकानंद आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश पर सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद, सनकादिक कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैं मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। वे शीघ्र ही वहां आ गए। उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका मध्य भाग से उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है।
महेश्वर की तीन मूर्तियों में अन्यतम पूर्वांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्ध नारीश्वर रूप से प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि